तुम लोगों ने कभी केचुआ देखा है? केचुआ वो पतला सा लंबा सा जो कुछ ऐसे करके चलता है, और अक्सर हमें तब दिखाई देता है जब बारिश होती है। वो जमीन से निकल के बाहर आ जाता है और कुछ ऐसे चलता हुआ सा दिखाई देता है। उसी केचुए की आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ कि ये केचुआ दरअसल जमीन के अंदर क्यों रहता है छिप कर सबसे। और ये कहानी सुनाई जाती है नाइजीरिया में। तो क्या हुआ था, बहुत बहुत साल पहले जब वहां पर इयो नाम का राजा राज करता था। इयो नाम के राजा से सब लोग बहुत खुश थे। सिर्फ लोग ही नहीं, वहां के सारे जानवर, सारे पक्षी, सारे इंसेक्ट सब बहुत खुश रहा करते थे। राजा हर दूसरे दिन सबको एक पार्टी देता था, और पार्टी में अच्छा खाना पीना सब होता था। और जब पार्टी खत्म हो रही होती थी तब एक भाषण होता था। ये भाषण कोई भी दे सकता था वहां पर। तो एक दिन क्या हुआ, जब पार्टी खत्म होने वाली थी तो खत्म होने पर चींटियों का राजा खड़ा हो गया और उसने अपना भाषण देना शुरू किया। भाषण थोड़ा लंबा हो गया, इतना लंबा कि सबको नींद से आने लग गई। तो जब चींटियों का राजा अपना भाषण खत्म करने वाला था तब भी उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे केचुए को राजा को बुरा लग गया। फिर केचुए का राजा खड़ा हो गया, उसने बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बारे में कुछ कह सको? तो चींटियों के राजा ने बोला, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है, हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग हैं। हम चाहें तो हाथी को भी डरा के भगा सकते हैं। वैसे देखा जाए बात तो सही है, अगर चींटियां चाहे तो वो हाथी को भी डरा के भगा सकती हैं। हाथी चींटियों से डरता है। तो चींटियों के राजा ने बोला, देखो इतना तो हम कर ही सकते हैं, तुम लोग क्या कर सकते हो? केचुए के राजा ने बोला, हम लोग क्या कर सकते हैं ये हम तुमको जरूर बताएंगे, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए, और मुकाबले के बाद ये साबित हो जाएगा कि हम ज्यादा मजबूत हैं या फिर तुम ज्यादा मजबूत हो। ये बात जब इयो ने सुनी तो इयो राजा वहां पर आ गया। उसने बोला कि ये सही होगा, क्यों ना तुम दोनों के बीच में एक मुकाबला तय किया जाए, और उस मुकाबले में जो जीतेगा हम लोग मान लेंगे कि वही ज्यादा मजबूत है। फिर मुकाबले वाले दिन सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। एक बड़े से मैदान में चारों तरफ लोग बैठ गए और कुछ जानवर भी बैठ गए। पक्षी ऊपर पेड़ों पे बैठकर देख रहे थे कि देखे तो सही कौन जीतेगा। और फिर सुबह सुबह चींटियां अपने घरों से बाहर निकली। जब चींटियां घर से बाहर निकल रही थी तो वो सब पता है एक लाइन में निकल रही थी, और वो ऐसे चल रही थी जैसे जैसे परेड करते वक्त सोल्जर चला करते हैं ना, एक साथ कदम उठाते हुए ठाक 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 ठाक। ऐसे लग रहा था जैसे चींटियों की परेड निकल रही है। तो चींटियां परेड करती हुई एक लाइन से लगातार निकलती आ रही थी, और ये होंगी हजारों, नहीं, लाखों, शायद करोड़ों, करोड़ों चींटियां। अब सोचो जरा, करोड़ों चींटियां लाइन से अपने घरों से निकल कर एक साथ कदम बढ़ाते हुए चली आ रही है मैदान की तरफ। अगर इसको ऊपर आसमान से देखो तो कुछ ऐसे लगेगा जैसे भूरे रंग की पट्टी चली आ रही है। तो जी लाखों करोड़ों चींटियां एक लाइन में उस जगह पर चली आ रही थी जहां पर वो मुकाबला होना था, और दूसरी तरफ सारे केचुए तैयार खड़े हुए थे। उन केचुओं को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे एक बड़ा सा कोई ढेर हो और वो ढेर लड़ने के लिए तैयार। जैसे ही सीटी बजी मुकाबला शुरू हुआ। मुकाबला जब शुरू हुआ तो चींटियों के सरदार ने, यानी कि जो उनका राजा था, उसने सबको कुछ इशारा किया, और इशारा मिलते ही सारी चींटियां ने केचुओं को चारों तरफ से घेर लिया एक लाइन से, एक लाइन, फिर उसके पीछे चींटियों की एक लाइन, फिर उसके पीछे चींटियों की एक लाइन, और ऐसे घेरा बनाते 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 सारी चींटियां बाहर घेरे में और बीच में केचुए। अब केचुओं ने लड़ने के लिए थोड़ा बहुत चलकर आए, और इधर चींटियों ने भी शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत हुआ, पर पता है हो क्या रहा था, सारी चींटियां मिलकर एक केचुए की थोड़ी सी पिटाई, थोड़ा सा फाइट, ऐसे कुछ चल रहा था। और केचुआ कभी इधर जाता कभी उधर जाता, एक केचुआ इधर जा रहा था, एक केचुआ उधर जा रहा था, और यही सब हो रहा था।
देखने पर समझ में नहीं आ रहा था कि केचुए दरअसल लड़ाई कर रहे हैं या फिर केचुए भाग रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये बच के भाग रहे हैं कि मुकाबला कर रहे हैं? लोग कंफ्यूज हो रहे थे, राजा भी कंफ्यूज हो रहा था कि ये भाग रहे हैं या लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उधर चींटियों को जैसे सब कुछ पता था कि करना क्या है, एक केचुए के पीछे बहुत सारी चिड़िया पड़ गई थी और बस उसके साथ मुकाबला करे जा रही थी। और लास्ट में ये हुआ कि केचुए के राजा ने बोला, बस बस बहुत हो गया, हम इससे ज्यादा अब मुकाबला नहीं कर सकते, रुक जाओ, हमने हार मान ली। और फिर केचुए को राजा को इतना बुरा लगा कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम बाहर बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। और तब से दुनिया में जितने भी केचुए हैं ना, उन्होंने सोचा कि अब हम जमीन के अंदर रहा करेंगे। इसलिए केचुए अपना घर जमीन के अंदर ही बनाते हैं, वो सिर्फ तभी बाहर निकलते हैं जब बारिश आती है और बारिश का पानी उनके घरों में चला जाता है। वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं और जैसे ही वो पानी निकल जाता है या फिर उनको कोई और जगह मिल जाती है तो वो वहां पर वापस चले जाते हैं, लेकिन कभी भी बाहर नहीं निकलते।